हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल तब एक्सप्रेस। और गाइस आज मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। आज मैं जा रही हूँ अपनी स्कूल ट्रिप से धर्मशाला और अभी बज रहे हैं 4:30 और 6 बजे मुझे स्कूल पहुँचना है। फिर वहाँ से हम 7:30 बजे निकलेंगे टू धर्मशाला, 3 डेज ट्रिप। और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि अपने फ्रेंड्स के साथ और स्कूल वगैरह के साथ जाना इज़ वेरी तो बहुत ही मज़ा आता है और मेरा एक नया एक्सपीरियंस होएगा। और फिर धड़ाधड़ ब्लॉग्स बनेंगे एंड आई एम वेरी मच एक्साइटेड। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। चलो ओके मम्मी बाय। मम्मी इमोशनल हो रही है। मैं इतने इमोशनल हूँ, मेरे वैलेंटाइन डे वाले दिन ही मेरा वैलेंटाइन जा रहा है। हाँ चल एंजॉय करियो। मैं थैंक यू। चलो गाइस अब हम चलते हैं। थैंक यू सो मच। कैमरा कॉन्शियस हो जाता थोड़ा से बिना बताए शूट करना है। तो गाइस फाइनली हम बस में बैठ चुके हैं और अब हम जा रहे हैं। ये मेरा स्कूल है। अब हम फाइनली निकलने वाले हैं और ये सीट मेरे को अच्छी खासी मिल गई है। आराम से जाऊंगी बैठ के, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अकेली बैठ के जाऊंगी और बहुत ही मजे करने वाले हैं। बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे देखो इतने सारे लोग हैं। ये मेरी पूरी जगह सामान ने घेर ली है और ये मैडम जी आराम से बैठ गई है यहाँ पे। आप कुछ कहना चाहेंगी? नहीं। सो गाइस हम निकल चुके हैं और बहुत ही मजा आ रहा है। बस में गाने चल रहे हैं, हल्ला शेरी सब हो रहा है। क्या बोल रही है? घंटा मजा आ रहा है। क्या मजा आ रहा है? बहुत मजा आ रहा है गाइस। मेरे को इसकी बातों में मत जाओ और आगे हम निकलेंगे। अभी तो हम स्कूल से निकले तो मेरे को रास्ता पता नहीं है हम कहाँ जाएंगे। Many minutes later. चलो अब यहाँ पे गाइस हम लोग तीन पत्ते खेलने वाले हैं। ये सारे हम लोग तीन पत्ती भाई देख के भाई पत्ते मत गिरा दिया यार।
नहीं दो गेम के मुझे मार दे निशाने तू तो जो मेरी सीट थी वहाँ पे इन्होंने कब्जा करके ये लोग तीन पत्ती खेल रहे हैं दो भी ताश नहीं ताश भी नहीं ब्लफ क्या खेल रहे हो हम ब्लफ खेल रहे हैं ब्लफ सस्ती के 2 hours later तो गाइज अभी रात के बज रहे हैं 12:30 और अभी हम रुके हैं थोड़ा सा फ्रेश होने 12:30 शॉपिंग यस अभी मैं शॉपिंग चूरन भूमि को गिफ्ट करके दूंगी मैं चूरन तो हम यहाँ पे मयूर ढाबा पे रुके हैं फॉर सम फ्रेश होने के लिए चाय पीने कॉफी पीनी है कुछ खाना है कुछ पीना है तो उसके लिए हम रुके हैं और मेरे को मेरा मन कर रहा है यहाँ पे शॉपिंग करने का करो आओ आओ बेटे यहाँ पे खरीद के दे ये गिफ्ट शॉप है ये अचार की दुकान है अचार सो गाइज अब हमारी मैम ने हमें कॉफी लेके दिया है और मैं कॉफी पी रही हूँ तो अब हम कॉफी इंजॉय करेंगे और ये बहुत ही मतलब अच्छा मौसम हुआ यहाँ पे मतलब ना ठंड है ना गर्मी है बहुत ही प्लेजेंट सा गाइज अब मैं इधर ट्राई करूँगी स्वीट कॉर्न इसने खाए हैं ये बताएगी कैसा था स्पाइसी तो अब मैं खा के देखूँगी कैसा लगता है ये इतना इसलिए मेरे लिए छोड़ा है बहुत ही आपका आपकी मेहरबानी आपने मेरे लिए इतने सारे स्वीट कॉर्न छोड़ दिए है ना अबे आधे खा रहे ओके तो मैं The next day.
गाइज, अब आफ्टर अ लॉन्ग जर्नी तो हम फाइनली पहुंच गए हिमाचल प्रदेश अपनी टूर डेस्टिनेशन पे, और हमारा फर्स्ट पॉइंट है ये, जहाँ पे हमको ब्रेकफास्ट करने के लिए इन्होंने रोका है। हाईवे ट्रीट नाम का ये रेस्टोरेंट है, और अब यहाँ से हम चेंज करेंगे, हम वो सूमो वाली गाड़ी होती है जो, उसमें जाएंगे, क्योंकि आगे जो रास्ता है वहाँ पे बस नहीं जा सकती, तो हमको 99 में डिवाइड करके अलग अलग गाड़ियों में हम लोग जाएंगे। एंड यहाँ पे हम लोग ब्रेकफास्ट करेंगे, ब्रेकफास्ट में आलू पूरी है, ब्रेड ऑमलेट है, टोस्ट है। Many minutes later. शामे मलंग सी, राते सुरंग सी, बागी उड़ान पे ही ना जाने क्यों, इलाही मेरा जी आए आए, इलाही मेरा जी आए आए। तो अब हम एक डेढ़ घंटे के बाद पहुंच गए, इनको इग्नोर मारो, तो अब हम एक डेढ़ घंटे के बाद पहुंच गए होटल। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई, क्या तकलीफ है इनको। फाइनली आफ्टर अ लॉन्ग जर्नी, पहले हम बस में थे, फिर हम कार में बैठे, तो फाइनली हम ये अपने होटल एंड रेस्टोरेंट पहुंच गए हैं, और हालत बिल्कुल खराब हुई पड़ी है। इतनी हवा चल रही थी कि बिल्कुल बाल वगैरह सब उजड़े पड़े हैं। और ये हमारा होटल है, ये रिसेप्शन है, अब हमें रूम्स मिलेंगे, तो बस फ्रेश होके अब आज के दिन के लिए रेडी होना है। पूरी एक्टिविटीज वगैरह होंगी वो मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाऊंगी, तो तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल, और नेक्स्ट डे के लिए अब ब्लॉग बनेंगे 2 दिन और, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।